गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्लेट्स व्हील्स एंड लाइफस्टाइल। मैं हूं प्रतीक्षा और मैं आपके सामने एक बार दोबारा एक इंटीरियर डिज़ाइन का व्लॉग लेके आई हूं। दिस टाइम इट्स अ फुल फ्लेज इंटीरियर ऑफ अ 3 BHK फ्लैट विच वी हैव डन इन डोंबिवली। यहां हम लोगों ने सिविल वर्क से लेके इंटीरियर यानी कि आपका कारपेंट्री वर्क, आपका फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारे काम हमने यहाँ पे किए हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल 3 BHK फ्लैट। ये है इनके फ्लैट का एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे काफ़ी एरिया था पैनलिंग के लिए, उनको एंट्रेंस थोड़ा ह्यूज चाहिए था, अपीलिंग। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस साइड पे पैनलिंग यहाँ से स्टार्ट की है। वी हैव डन एल शेप पैनलिंग इन कंटिन्यूएशन विद दिस CNC कट डोर, जो उनका सेफ्टी डोर है। जो मेन कलर है इसका ब्राउन है। यहाँ पे हमने 3 टाइप के लैमिनेट्स यूज़ किए हैं। पहला जो आप देख सकते हैं ब्राउन लैमिनेट, वुडन टेक्सचर वाला। उसके बाद सेकेंड जहाँ जो आप पैनलिंग देख रहे हैं, ये देखिए ये जो पैनलिंग है, मतलब इस लैमिनेट में ही इनबिल्ट ये जो आप देख रहे हैं 45 डिग्री के डायगोनल ऐसे बैंड्स हैं। सो दिस वी हैव यूज फॉर पैनलिंग। एंड द थर्ड लैमिनेट विच यू कैन सी, ये जो है थोड़ा सा पिकॉक ग्रीन और यू कैन सी ब्लू कलर है। सो वी हैव यूज्ड दैट पिकॉक ग्रीन कलर। और उसके साथ में आप देखेंगे तो थोड़ा सा गोल्डन टेक्सचर है, रोज़ गोल्ड टेक्सचर। इसके नेम प्लेट पे भी हम लोगों ने जो बॉर्डर है आप देखेंगे रोज़ गोल्ड की है। इसके हैंडल्स हैं वो भी रोज़ गोल्ड के हैं, ये देखिए। सो ये काफ़ी बड़ा सा शू रैक है। यहाँ पैनलिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा सेक्शन है जो आर्टिफिशियल ग्रास का लगाया है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी एल शेप में LED लगाई है, जिससे इस जो पैनल के ऊपर लाइट गिरती है और ये हाईलाइट होके आता है। ये जो सेक्शन है हम लोगों ने ब्लू कलर में, दिस वी हैव क्रिएटेड ओनली फॉर पुटिंग देयर नेम प्लेट। उसके भी हम लोगों ने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे LED स्ट्रिप घुमाई है। जो हमारी पैनलिंग है आप देखेंगे तो वो टॉप टू बॉटम है, फुल फ्लेज हमने ली है। सो दिस इज़ हाउ दिस एंट्रेंस एरिया लुक्स लाइक। आई होप यू लाइक दिस। आपको हमारा शायद ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेन डोर है इस पर हम लोगों ने ये ग्रूव्स बनाए हैं। आप ध्यान से देखेंगे ये ग्रूव्स हैं जो कि जो इसका डिज़ाइन है सेमी सर्कल में, उसी के अलाइनमेंट में ये कंटिन्यूशन में उसके साथ पूरे डोर पे आप जो ग्रूव्स हैं वो देख सकते हैं। सो आफ्टर द एंट्रेंस एरिया लेट्स गो इनसाइड दिस 3 BHK फ्लैट। सो हेयर आई एम इन द लिविंग एरिया ऑफ दिस फ्लैट। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इनका जो मेजर कलर है विच दे हैव सिलेक्टेड इज़ ग्रे कलर, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमको बता के रखा था कि दे वॉन्टेड देयर हाउस, मतलब उनके जो घर का जो मेन कलर है उनको वो ग्रे चाहिए था। सो आप सबसे पहले रोहित फ्लोरिंग दिखाइए। आप फ्लोरिंग देखेंगे तो ये भी इसमें लाइट ग्रे कलर आप देख सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा स्लाइट बेज भी दिखता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। 4x2 के टाइल्स हैं कजारिया के, बहुत ही सुंदर टाइल्स हैं, जो कि इस घर का पूरा फ्लोरिंग हम लोगों ने चेंज किया है। देन लेट्स मूव टू द TV यूनिट। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही बड़ा सा ये TV यूनिट है। इसमें जो कलर्स हैं आप देखेंगे तो जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट कलर्स हैं। यू कैन सी देयर आर सम पेस्टल कलर्स एंड द मेन पैनल हियर यू कैन सी। जो आप टाइल्स में आपको जो टाइल मिलती है आप सतवारी मार्बल, सतवारी टाइल, वैसा ये आपको लैमिनेट दिखेगा, जो कि दूर से देखते हुए ऐसा लगता है कि दिस इज़ टाइल ओनली, बट दिस इज़ लैमिनेट। और उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही सुंदर से ग्रूव्स बनाए हैं।
यहाँ आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में, यू कैन सी ये हम लोगों ने एक ओपन सेक्शन रखा है टू कीप देयर आर्टिफैक्ट्स. एज यू नो, इफ यू आर अवर डेली वॉचर, जो आप हमेशा जो हमेशा हमारे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता होगा कि हम लोग ये डिज़ाइन में हमेशा ये सेक्शन रखते हैं टू कीप देयर आर्टिफैक्ट्स. उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये है इनका छोटा सा स्टोरेज, जहाँ हम लोगों ने ये जो डोर्स हैं आप देखेंगे, यहाँ हम लोगों ने जो लैमिनेट यूज़ किया है, दिस इज़ अ पीच कलर और यू कैन सी पाउडर पिंक कलर. ओके, आई विल शो यू, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. दिस इज़ हाउ इट इज़. यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट क्लोज यूज़ किए हैं हिंजेस, बिकॉज ये जो आप देखेंगे ये बहुत ही नैरो डोर्स हैं. ये जो है ये हैंडललेस हैं, ये दोनों, ये वाले दोनों डोर्स देख सकते हैं हैंडललेस है, इजीली बंद होते हैं. और हर एक सेक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने स्पॉटलाइट दिया हुआ है टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू कीप देयर. बिलो दिस सेक्शन यू कैन सी ये है ड्रॉवर्स, जो कि स्टार्ट टू एंड है, तीन ड्रॉवर्स हैं. लास्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे वूफर्स के लिए स्पेस दी हुई है, एंड देयर इज़ अ ओपन मिडिल सेक्शन विच यू हैव केप्ट ओनली फॉर सेटअप बॉक्स. रोहित, लेट्स टेक आर व्यूअर्स टू द स्विच बोर्ड. आप जो स्विच बोर्ड है वो भी देखेंगे, जो है हम लोगों ने ग्रे कलर की यूज़ किए हैं, गोल्ड मेडल कंपनी के, बहुत ही सुंदर से ये हमारे स्विच बोर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस पूरे ग्रे थीम के साथ. ओके, मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो वॉल है, जैसे ही मैं इस घर में घुसती हूँ तो मेरे राइट साइड में ये जो वॉल है आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे POP मोल्डिंग लगाई है जस्ट टू हाईलाइट दिस वॉल. दिस टाइम वी हैव नॉट यूज एनी वॉल पेपर, हम लोगों ने सिर्फ ये POP के मोल्डिंग्स लगाए हैं. ओके, ग्रे कलर की वॉल है, एक्सेंट वॉल, और इसके साथ ये वाइट कलर के POP मोल्डिंग्स. नाउ लेट्स कम टू माई फेवरेट सेक्शन. आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा इनका सिटिंग एरिया, यू कैन से लाउंज एरिया है. यहाँ पे दो कलर में हमारे जो सोफ़ा सेट्स है, यू कैन से जो सिटिंग एरिया दो कलर में है. ये है पिंक कलर जो हमारे थीम के साथ जाता है, एंड जस्ट टू हाईलाइट, जस्ट टू ब्रेक द मोनोटोनस ऑफ दिस ग्रे एंड पेस्टल कलर, यहाँ आप देखेंगे ये ब्यूटिफुल सा पिकॉक ग्रीन कलर का, ये इनका जो मेन थ्री सीटर सोफ़ा है ये पिकॉक ग्रीन कलर का है. सो बेसिकली दो ह्यूज चेयर्स हैं और उसके साथ ये थ्री सीटर सोफ़ा, सो पांच लोगों के लिए आराम से बैठने के लिए जगह है. ऊपर आप रोहित हमारे व्यूअर्स को फॉल सीलिंग दिखाइए. फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा है, चारों साइड से हम लोगों ने 6 inches का ऑफसेट छोड़ के उसमें LED घुमाई है, और जो हमारा सीलिंग है वो सिर्फ 3 to 4 inches डाउन आता है, और उसी पे हम लोगों ने सारे लाइट्स लिए हैं, जो कि हमारे वॉर्म वाइट लाइट्स, जो हमारे COB लाइट्स हैं, एंड वाइट लाइट्स. सो और जो उसका दीवारों का जो मेन कलर है वो हमारा वाइट ही है, ऑफ वाइट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस एरिया. ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा ये इनका क्रॉकरी सेक्शन है. ओके, ग्लास लगा हुआ है इसके फ्रंट में, और अंदर सारे हमारी क्रॉकरी रखी हुई है. ऊपर यहाँ पे स्टोरेज है, ये स्टोरेज सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये है इनका हाइड्रोलिक स्टोरेज, और यहाँ नीचे भी जगह है सामान रखने के लिए. और जैसे कि ये क्रॉकरी यूनिट है, बट द मेन थिंग इज कि ये है एक फोल्डेबल डाइनिंग टेबल, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ इट ओपन्स. मैंने ये डाइनिंग टेबल खोल दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने चैनल लगाया है फोल्डेबल डाइनिंग टेबल का. सो जैसे ही आप ओपन करते हैं यू कैन एक्सेस योर क्रॉकरीज. यहाँ पे हम लोगों ने हर एक सेक्शन में एक सेपरेट छोटा कैबिनेट लाइट दिया है. सो दिस इज अ मल्टीपर्पज यूनिट, यू कैन यूज इट एज योर क्रॉकरी यूनिट एंड ऑल्सो एज योर फोल्डिंग डाइनिंग टेबल. यहाँ पे आराम से 4-5 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं. सो रोहित,
चलें इसके बाद में इनके किचन की तरफ। सो ये है हमारा सुंदर सा किचन। वंस अगेन आप देखेंगे जो हमारे जो कलर्स हैं यहाँ किचन में, जो हमारी रेगुलर किचन से है वो अलग है। तो चलते हैं पहले ट्रॉलीज़ की तरफ। ये देख सकते हैं ये जो लैमिनेट है, हाई ग्लॉस लैमिनेट हम लोगों ने यूज़ किया है, ये पीच कलर का है और यू कैन से पेस्टल पिंक, मतलब है एक्चुअली ये पीच कलर ही। और इसके जो आप देखेंगे ट्रॉलीज़ हैं, इसमें हम लोगों ने हेटेज के सॉफ्ट क्लोज चैनल्स लगाए हैं। और जो आपके हैंडल्स हैं ये हम लोगों ने एज हैंडल्स लगाए हैं और ब्लैक कलर के हैं। सो ये पीच लैमिनेट के साथ ये ब्लैक कलर के हैंडल्स बहुत ही सुंदर दिख के आते हैं। सो सिविल वर्क की जैसा कि मैं बात कर रही थी, सिविल वर्क आप देखेंगे तो पूरे घर में किया हुआ है। ये हम लोगों ने यहाँ पे G5 जो ग्रेनाइट रहता है, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट, वो हम लोगों ने लगाया है। ऊपर आप टाइल्स देखेंगे तो ये भी हम लोगों ने टाइल्स नई लगाई हैं, कजारिया की टाइल्स है। है ग्लॉसी टाइल्स बट थोड़ा सा मोरोकन आपको इफेक्ट देती है, मैट नहीं है, जस्ट टू इजीली क्लीन, तो इसलिए हम लोगों ने ग्लॉसी ही टाइल लगाई है। ऊपर के आप सेक्शंस देख सकते हैं ये सारे स्लाइट ऑफ वाइट कलर के, और यू कैन से बेज कलर के, मतलब इस स्टाइल में ये जो मेन इसका कलर है बेज कलर का, वही हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा स्पार्कल है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ सेक्शंस। ओके, आप अगर पहला सेक्शन देखेंगे तो हम लोगों ने ओपन रखा है, इसका जो मोनोडर्नस है वो थोड़ा ब्रेक किया है और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ओपन सेक्शन रखा है। उसके बाद में आप ये देखेंगे तो ये इनके स्टोरेज एरिया है, सॉफ्ट क्लोज चैनल्स है। उसके बाद में भी हैव केप्ट स्पेस फॉर चिमनी, वंस अगेन एरिया फॉर स्टोरेज। और उसके बाद में इनका एक्वागार्ड जो कि उनको ओपन रखना था, तो वी हैव केप्ट इट ओपन। ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी ये सारा हम लोगों ने प्रोफाइल ग्लास में ये सारे डोर्स बनाए हैं, ये देखिए। और इसके नीचे वंस अगेन यू कैन सी देयर इज एन ओपन सेक्शन, उसमें हम लोगों ने LED लगाई है। सो यू कैन कीप थिंग्स विच यू वांट टू हाईलाइट और यू वांट टू कीप इट ओपन। यहाँ पे जैसे उन देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग उन्होंने शुगर टी और कॉफ़ी के ऐसे उन्होंने डब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, क्रॉकरी विच यू यूज़ ऑन योर डेली बेसिस। देखिए ये भी इनका क्रॉकरी सेक्शन ही है जो हमेशा यूज़ करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं तो तीनों साइड में स्टोरेज है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये जो डोर है ये भी हम लोगों ने बनाया है, ग्लास का डोर, क्योंकि इनका पहले यहाँ पे ऐसे डोर नहीं था, इनका ये क्लोज एरिया था, यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, तो हम लोगों ने ये पूरा वॉल इसमें से बीच में हम लोगों ने तोड़ के यहाँ पे एक डायरेक्ट डोर बनाया है। दिस इज़ हाउ आर किचन इज़। आई होप यू लाइक आर किचन। दिस टाइम वी हैव ट्राइड समथिंग न्यू। हम लोगों ने यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग कलर यूज़ किया है, पीच कलर का। डू टेल मी कि आपको ये लैमिनेट कैसा लगा। सो नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट बेडरूम, और यू कैन से द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। सो पहले मास्टर बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको हमारा एक सुंदर सा सेक्शन है वो दिखा देती हूँ। ये है उनका यू कैन से ड्रेसिंग एरिया, वॉशिंग एरिया, जहाँ पे हम लोगों ने वॉश बेसिन लगाया है काउंटर पे। वाइट कलर का बेसिंग है और टाइल्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने वाइट टाइल्स लगाए हैं, हाईलाइटेड टाइल्स जिसके ऊपर हेक्सागॉन्स बने हुए हैं। ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने वो वैसे टाइल्स यूज़ किए हैं, और जो हमारा मिरर है हम लोग सर्कुलर कट करके लगाया है। सो क्योंकि ये जैसे ही आप घर में घुसते तो आपको ये सेक्शन दिखता है, सो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज ब्यूटिफुल एज इट इज़। यहाँ आप देखेंगे नीचे स्टोरेज जो है हम लोगों ने स्टोरेज बनाया है, और जो डोर्स हैं वो ACP के हैं, दोनों साइड के जो डोर्स देख सकते हैं आप,
और अंदर एक छोटा सा स्टील ट्रे है जस्ट टू कीप योर डेली थिंग्स। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ। सो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ जो पहली चीज़ है आपको दिख के आती है वो है इनका ये बहुत ही बड़ा सा 10 फुट का वार्डरोब, जिसमें टोटल 5 डोर्स हैं और एक सेक्शन हम लोगों ने ओपन रखा है टू कीप देयर आर्टिफैक्ट्स। सो आप देखेंगे तो जो इसका जो कलर है वो स्लाइट मिंट ग्रीन का है, द लाइटेस्ट ऑफ मिंट ग्रीन, जो ये लैमिनेट हम लोगों ने यूज़ किया है। ओके और उसका मोनोडरस ब्रेक करने के लिए वी हैव यूज्ड ब्राउन लैमिनेट, आप देखेंगे, और हर एक सेक्शन में स्पॉटलाइट दिया हुआ है। सो ये है हमारा वार्डरोब। मैं आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू दे देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज, बहुत ही बड़ा सा ये इनका वार्डरोब है। काफ़ी सिंपल से रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे क्लाइंट की। सो बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स नहीं हैं, बेसिक कंपार्टमेंट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। ओके देर आर नो ड्रॉवर्स और एनीथिंग लाइक दैट। ओके सो ये है हमारा बेड जो कि करीबन 6x6 का ही है, और इसका जो आप हेडबोर्ड देखेंगे ये है ग्रे कलर का, वेलवेट फैब्रिक ही है। एज यू नो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि दे वांटेड द मेजर कलर टू बी ग्रे, सो इनका हेडबोर्ड जो है वो ग्रे कलर का ही है। उसके साथ जो आप देखेंगे द अदर लैमिनेट विच वी हैव यूज्ड इज द ब्राउन लैमिनेट। दोनों साइड में यहाँ पे साइड टेबल्स हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा साइड टेबल है, उसके नीचे ये इस तरीके का ड्रॉवर है, और जैसे कि आप राइट साइड में जाते हैं टूवर्ड्स द डोर, यहाँ पे उनका ड्रेसिंग टेबल विद दीज टू ड्रॉवर्स। और इसके अंदर भी यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड बेडरूम, जो कि हमारा बेसिकली इट्स अ स्टडी रूम, बच्चों के लिए स्टडी रूम था। सो रोहित चलिए चलते हैं हमारे स्टडी रूम की तरफ। यहाँ इस घर में दो बच्चे रहते हैं। ओके सो उनके लिए ये सेपरेट स्टडी एरिया है, आप देखेंगे दो सेक्शन बनाए हुए हैं पूरे वॉल पे, वी हैव यूटिलाइज्ड फुल कंप्लीट वॉल। आप देख सकते हैं जो मेजर कलर है हमारे यहाँ पे वाइट, ओकवुड एंड दिस पिकॉक ग्रीन कलर, जस्ट टू हाईलाइट द सेक्शन, क्योंकि बाकी सब देखेंगे तो बहुत ही लाइट कलर्स हैं, और इस पिकॉक ग्रीन लैमिनेट की वजह से ये थोड़ा सा जो हमारा स्टडी टेबल है और यू कैन सी द होल रूम थोड़ा सा पॉपअप होता है। ओके बिकॉज इट्स अ बेसिकली इट्स अ चिल्ड्रन रूम, सो सारी चीज़ें मोनोटोनस भी नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी वजह से हम लोगों ने ये लैमिनेट यूज़ किया है। ओके आई विल एक्सप्लेन यू द कम्प्लीट सेक्शन। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 डोर्स हैं जो कि इनके स्टोरेज के सेक्शंस हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये इनका फर्स्ट डोर, सो ये है इनका सेकेंड डोर, और ये है इनके बाकी के दो स्टोरेज। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपन सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ उनके टॉयज़ वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे उन्होंने बहुत सी सुंदर से फ्रेम्स रखी हुई है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये एक LED लगाई हुई है जस्ट टू हाईलाइट थिंग्स है। नीचे आप देखेंगे तो ये है उनका स्टडी टेबल टॉप, सो इनको बड़ा सा ये टॉप मिलता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। ओके उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 ड्रॉवर्स हैं जो कि हम लोगों ने थोड़े से एंगल में रखे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आते जाते लग जाता है। सो वी हैव यू कैन सी यहाँ पे ये जो ड्रॉवर्स हैं थोड़े एंगल में, मतलब टॉप में ये थोड़ा सा बाहर है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं सो दिस ग्लोस स्लैंटिंग।
यहाँ आप नीचे देखेंगे तो हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा ट्रे रखा हुआ है। देन ये है मिडिल सेक्शन जस्ट टू पार्ट दीज टू स्टडी एरियाज। आप देखेंगे ऊपर ये पूरा आर्टिफैक्ट्स का सेक्शन दिया हुआ है, ये एक ड्रॉवर एंड देन वंस अगेन कैन सी ये है स्टोरेज। सो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो नॉब्स और सारे जो हमारे हार्डवेयर्स हैं फिटिंग्स वो सारे ब्लैक कलर्स के हैं। सो जो इस पूरे घर का जो मेन आप देखेंगे हैंडल्स वगैरह वो हम लोगों ने ब्लैक कलर के ही यूज़ किए हैं। ओके यहाँ आप देख सकते हैं एक सोफ़ा कम बेड है। उनकी मेजर यहाँ पे इस रूम में बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि दिस इज़ अ स्टडी रूम, तो कोई अगर आता है इफ़ यू वांट टू लाउंज अराउंड तो ये एक सोफ़ा रखा हुआ है। लाइट ब्लू कलर का, पाउडर ब्लू कलर का ये सोफ़ा है, बहुत ही सुंदर सा है। इसके पिलोज पे ये ऐसे पाइपिंग की हुई है। आप ये वॉल देखेंगे तो ये हम लोगों ने बेज कलर की वॉल रखी है जिस ये चॉक वॉल है। सो बेसिकली यू कैन राइट डाउन थिंग्स ऑन एयर एंड यू कैन जस्ट रब इट। सो दिस वॉज अ थिंग है क्योंकि ये बच्चों की रूम है, स्टडी एरिया है। और ऊपर आप देखेंगे जो हमारा फॉल सीलिंग है, वंस अगेन बहुत ही सिंपल सा फॉल सीलिंग रखा हुआ है। चारों तरफ से ऑफसेट रखा है 6 इंच का और LED हम लोगों ने लगाई है। पीछे आप मेरे देखेंगे तो ये है इनके कर्टन्स, बहुत ही सटल लाइट कलर्स के, मिंट ग्रीन कलर के ये कर्टन्स है। आई होप यू कैन फाइंड आउट द कलर है, यस। सो दिस इज़ मिंट ग्रीन और यू कैन सी पाउडर ब्लू कलर के ये कर्टन्स है, बहुत ही सुंदर कर्टन्स है। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टडी रूम। ओके सो दिस इज़ आवर सेकेंड रूम, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड बेडरूम। यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम किया हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बेड बनाया है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा वार्डरोब है। फुल हाइट पूरा वॉल ऑक्यूपाई करता है, ये उतना बड़ा इनका वार्डरोब है। आप देख सकते हैं पाउडर ब्लू कलर का ये लैमिनेट है, एंटी फिंगरप्रिंट लैमिनेट इसे बोलते हैं। सो बेसिकली आपके हाथ के जो पैचेस होते हैं वो इसके ऊपर उठ के नहीं आते, मतलब अभी मैंने यहाँ पे हाथ रखा तो ये दिख के नहीं आता है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंटी फिंगर प्रिंट। ओके यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 डोर्स है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। हैंडल्स आप देखेंगे तो ये हम लोगों ने प्लाई में नहीं बनाए हैं, ये दिस इज एंटीक वुड के, उसको हमने पॉलिश किया है। ये आप देख सकते हैं फ्लोर से लेके यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 3 फुट का ये हैंडल है, इस तरह से ये खुलता है। बेसिकली इट्स दिस इज़ एन एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर देम, मतलब कोई गेस्ट आता है तो उस हिसाब से ये गेस्ट रूम यूज़ होता है। सो देर इज़ लॉट्स ऑफ स्टोरेज इन दिस रूम बट देर इज़ नो ड्रेसिंग एरिया और स्टडी टेबल हियर, दिस इज़ जस्ट अ गेस्ट रूम सॉर्ट ऑफ बेडरूम। सो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने जो हेडबोर्ड बनाया है वो पेस्टल पिंक और बेज कलर का बैंड्स में हम लोगों ने ये हेडबोर्ड बनाया है, बहुत ही सुंदर सा हेडबोर्ड है। ऊपर आप इसके ऊपर देखेंगे तो हमने ये वुडन फ्रेम घुमाई है और उसके नीचे यहाँ पे ये LED स्ट्रिप हमने लगाई है। सो इन्वर्टेड लाइट ये थ्रो करता है वॉल के ऊपर। मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर से फ्लोरल ऐसे ये कर्टन्स हैं। सो दिस वॉज द लास्ट बेडरूम, 3 BHK फ्लैट का ये थर्ड बेडरूम जो मैंने आपको दिखा दिया है। नाउ वी विल मूव टू द फाइनल प्लेस विच इज़ मंदिर। सो ये है हमारी टेरेस, बहुत ही बड़ी सी टेरेस है,
लगभग एक रूम के बराबर है, कुछ 10x10 की ये टेरेस है, बहुत ही बड़ी टेरेस है। सो उनको एक मंदिर एरिया चाहिए था स्पेशली, जो पहले हम लिविंग रूम में रखने वाले थे, बट वी सजेस्टेड देम कि आप ये मंदिर टेरेस पे रखिए, क्योंकि बहुत ही आपको बड़ी स्पेस मिल रही है। सो आपको मंदिर की रिक्वायरमेंट भी उनकी काफ़ी बड़ी थी, यू कैन सी दे हैड टू कैप लॉट्स ऑफ आइडल्स हेयर। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी ये मूर्ति है कृष्ण भगवान की। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप क्रिएट किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मंदिर, एक स्टेप क्रिएट किया है। उसके बाद में एक ट्रे रखा है, ओके, दिया इनका पूरा जला रहता है हमेशा। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ड्रॉवर है, ओके, और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो ये यहाँ भी एक स्टोरेज है, दो डोर्स है, ओके, और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने पीवीसी का सीलिंग किया हुआ है, ओके, वुडन टेक्सचर में ये हम लोगों ने पीवीसी के बोर्ड्स लगाए हुए हैं। सो ये पार्ट उनका बाहर होते हुए भी ये घर का उनका पार्ट, यू कैन फील इट है, दैट्स वाई हम लोगों ने ये मंदिर यहाँ पे डिज़ाइन किया है। यहाँ आप टाइल्स देख सकते हैं, ये भी हम लोगों ने नए लगाए हैं, कजारिया के वुडन टाइल्स हैं। और जैसे ही थोड़ी शाम होती है तो मैं आपको इस एरिया का पूरा फिर से एक बार व्यू दिखाती हूँ, बिकॉज इवनिंग टाइम में ये मंदिर और भी सुंदर दिख के आता है। सो गाइज, हेयर आई एम गोइंग टू एंड द टूर ऑफ दिस ब्यूटिफुल 3 BHK विच इज़ सिचुएटेड इन डोंबिवली, ओके। सो आई होप आपको हमारा ये आज का इंटीरियर डिज़ाइन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हमेशा के जो हमारी डिज़ाइंस है उसे थोड़ा सा अलग था। अगर आपको भी ऐसा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हमारे ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही इसके आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।